देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप, ओके यहाँ पे सील कर दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि काफ़ी दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप देख सकते हैं। देखिए आप, बाकी आप ये देखिए, भाई साहब ये खुलेगा नहीं, आरती के बाद खुलेगा। चलो सीनियर सिटीजन को ले लो। देखिए दोस्तों, अगर आपको आरती में आना है तो आपको समय से पहले आना होगा, तभी आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, आरती के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो फिर यहाँ पे बैरिकेडिंग करके हर की पौड़ी सील कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप, मैं आपको बता दूं, देखिए आप, सब जितने भी श्रद्धालु हैं सब वापस आ रहे हैं क्योंकि बैरिकेडिंग की गई हुई है, हर की पौड़ी सील कर दिया गया है, तो इस समय जब आरती होगी तभी खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि कल बहुत भीड़ थी आरती के समय पर। तो दोस्तों, अगर आप संडे के दिन आरती देखने आ रहे हैं हरिद्वार में, तो मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन बंद रहेगा 6 बजे के बाद हर की पौड़ी। जो लोग पहले से ही हर की पौड़ी में घाटों के किनारे चले गए थे या हर की पौड़ी चले गए थे स्नान के लिए, वही लोग सिर्फ आरती देख पाएंगे, बाकी लोग आप बाहर से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बाकी आप देखिए, भीड़ तो इतनी हो ही रही है। देखिए आप, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे, जिस कारण बैरिकेडिंग लगा के हर की पौड़ी को सील करना पड़ा। अब जब आरती समाप्त होगी तो उसके बाद ही हर की पौड़ी को खोल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लोग वापिस जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप संडे के दिन आ रहे हैं आरती देखने के लिए, तो दोस्तों आप समय से पहले आएँ और समय से पहले बैठें आप हर की पौड़ी पर, तो आप देख सकते हैं हफ्ते में संडे के दिन, रविवार के दिन आप समय से पहुँचें हर की पौड़ी पर अगर आपको आरती देखनी है तो। जय दोस्तों, देख सकते हैं आप।